नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी लखनऊ में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सभी सरकारी विभाग युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। सड़कें चमकाई जा रही है, पेड़ पौधों की कटाई छुटाई चल रही है और वहीं राजधानी लखनऊ में आयोजन स्थल के आसपास अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान भी चल रहा है। और इसी क्रम में बरौली खलीलाबाद दोधन खेड़ा गांव स्थित एक किसान का घर अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने गिरा दिया है, जिससे किसान का घरेलू गृहस्थी का सामान भी जमींदोज हो गया। किसान का आरोप है कि उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया और किसी प्रकार की सूचना भी नहीं दी गई थी। वही संबंध में एसएचओ सुशांत गोल्फ सिटी का कहना है कि नगर निगम दस्ते ने अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति बाधित होने की सूचना पर पुलिस फोर्स भेजा गया, दोनों पक्षों को थाना बुलाया गया। वहीं जोन 8 के जोनल अधिकारी नंदकिशोर ने बताया कि क्षेत्र में सेक्टर में नहीं आता, मेरे द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। मेरा ये यहाँ पे मकान हुआ बना था, कच्ची कोठरी बनी हुई थी और ये कम से कम 40-45 साल हो गए थे आसपास बने हुए। अच्छा। क्योंकि आवास विकास से हमारे मतलब कोर्ट में इसका मामला भी चल रहा है और नगर निगम के कुछ अधिकारी लोग आए जो कि अपने कुछ अधिकारी मतलब क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी जोनल वगैरह थे, कोई अधिकारी जवाब नहीं देना चाह रहा है कि मैंने गिराया है। अच्छा, ठीक है, वो कह रहा है लीगल अनलीगल है, गिराना है। अच्छा, हमको किसी भी प्रकार की कोई नोटिस नहीं दी गई, मतलब आपको नोटिस देनी चाहिए कि मतलब हम गिराएंगे। हम लोग यही सामने घर पे था, अगर ये सूचना ना देते तो हम लोग आप ही निभाते। तो सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को जनेश्वर मिश्रा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास कोई पार्क नहीं है, जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो लोहिया पार्क के छोटे पार्क आते हैं। उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि बीजेपी 80 सीटें हार जाए, जो पार्टी यह कहती है वो भी कि वह बरसों रहेंगे, वो लोग अब सिर्फ 400 दिन की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आज महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। कीटनाशक दवाई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिन गिनने लगी है, याद कीजिए दिल्ली में इनका नेतृत्व बैठा, उसने कहा कि अब 400 दिन बाकी हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं जब इनकी प्रदेश कार्यकारिणी बैठी है तो 398 डेज बचे हैं। इस प्रदेश की जनता ने इनका हाल और इनका काम देखा है। मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का 2022 अभी गया नहीं है। अगर 2022 चला गया होता तो आज किसान की आय दोगुनी होती, किसान के गन्ने का भुगतान हो जाता, बिजली का इतना महंगा बिल नहीं देना पड़ता, कीटनाशक दवाइयाँ इतनी महंगी ना होती, खाद से लेकर के डीएपी का कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। और जिस तरीके से संस्थाओं में अपने लोगों को बैठा रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर सकता है हैदरगढ़ में बगल में लखनऊ के जहां मुख्यमंत्री बैठते हों एक को आत्मदाह करना पड़ा। जिस तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस पार्टी ने 22 जनवरी को प्रदेश मुख्यालय पर आयोजन किया, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा की प्रासंगिकता पर दृष्टि बाधित छात्र छात्राओं ने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया है। प्रांतीय अध्यक्ष ब्रिजलाल खापरे ने 101% भारत जोड़ो यात्रा को सफल बताते हुए कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने भारत जोड़ो यात्रा को सफल बताते हुए कहा कि आम जनता से भरपूर समर्थन मिल रही है। भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं और पूरे देश भर में हो रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी ये कार्यक्रम जगह जगह आयोजित किए जाते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले जनपद में भी इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया था, उसमें कई बच्चों को पुरस्कार भी मिला था। आज उसी क्रम में दृष्टिबाधित बच्चे जो हैं पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों के लखनऊ में सब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो PhD स्कॉलर भी हैं इसमें, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी हैं, वाले स्टूडेंट BA के भी हैं, इंटर के भी हैं, हाई स्कूल के भी हैं। तो सारों बच्चों की एक ग्रुप वाइज जो है 3 ग्रुप बनाए गए हैं, उन सब लोगों की आज एक कंपटीशन कराया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा की प्रासंगिकता, उसी भी कार्यक्रम चल रहा है। और अभी 100% होता है, 101% यात्रा सफल एक हमारी तरफ से
क्या लगता है आगे आगामी 2024 के चुनाव में कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी, कुछ आप इसके बारे में कुछ आकलन बता पाएंगे सर? वैसे पूछना चाह रहे हैं तो हम तो 80-80 बताएंगे, लेकिन हम आपसे इतना ही कहेंगे कि हमारी तैयारी 80-80 सीटों पर लड़ने की है। गाजियाबाद से अगली खबर, जहां पर निर्माणाधीन कंपनी का गेट गिर गया, 6 वर्षीय बच्चे के ऊपर गेट गिरा, गेट के गिरने से बच्चे की मौत हुई है। ट्रांसपोर्ट कंपनी में निर्माण कार्य चल रहा था, परिजनों ने रोड पर जमकर हंगामा किया, परिजनों को समझाने में पुलिस जुटी हुई है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर एक 6 साल के बच्चे के ऊपर निर्माणाधीन गेट गिरने से बच्चे की मौत हो गई। बड़ी जानकारी गाजियाबाद से, निर्माणाधीन कंपनी का गेट गिरने से 6 वर्षीय बच्चे के ऊपर गेट गिरा और गेट गिरने से बच्चे की मौत हुई है। ट्रांसपोर्ट कंपनी में निर्माण कार्य चल रहा था, परिजनों ने रोड पर जमकर हंगामा किया, तो 6 वर्षीय बच्चे के ऊपर गेट गिरा, बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। गेट के गिरने से बच्चे की मौत हुई है, ट्रांसपोर्ट कंपनी में निर्माण कार्य चल रहा था और परिजनों ने रोड पर जमकर हंगामा किया, पुलिस ने परिजनों को समझाने की कोशिश की है। बड़ी जानकारी गाजियाबाद से, 6 वर्षीय बच्चे के ऊपर गेट गिरने से बड़ा हादसा, और ये तस्वीरें जहां पर परिजनों द्वारा जमकर हंगामा किया गया, एक 6 साल के बच्चे के ऊपर निर्माणाधीन कंपनी का गेट गिरने से बड़ा हादसा, 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई और परिजनों द्वारा जमकर हंगामा किया गया, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को समझाने की कोशिश की है। तो एक निर्माणाधीन कंपनी के गेट गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक बच्चे ने अपनी जान गंवा दी है। सड़क पर परिजनों द्वारा जमकर हंगामा किया गया और पुलिस फिलहाल परिजनों को समझाने की कोशिश कर रही है। कानपुर के मर्चेंट चैंबर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 70,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ। इनके साथ एमओयू साइन किया जा चुका है। मर्चेंट चैंबर में आयोजित हुए इन्वेस्टर्स समिट में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी और एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने उद्यमियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए कानपुर जिला प्रशासन ने औद्योगिक विकास मंत्री ने बताया कि जब यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, इस पर मंथन किया गया था। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यह इन्वेस्टर्स समिट हो रही है, जिसमें 33,703 करोड़ रुपए प्रयागराज में प्राप्त हुए हैं। जिस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे लगता है कि 10 लाख करोड़ का जो टारगेट था उसको 17 लाख करोड़ किया है और वो अब 20 लाख करोड़ पार कर जाएगा। जब दोबारा भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, उसके बाद उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने, इस पर मंथन हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री समूह दुनिया के 16 देशों में 21 सिटीज में मंत्री के साथ अधिकारीगण, सभी वरिष्ठ मंत्री, सीनियर मंत्री, मंत्री के साथ अधिकारीगण गए और वहाँ से 7,12,000 करोड़ रुपए के हमें एमओयू प्राप्त हुए। हम मुंबई गए, देश के बड़े उद्योग घराने, चाहे टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अडानी हो, गोदरेज हो, महिंद्रा हो, इन सभी लोगों ने 5 लाख करोड़ से ज़्यादा के एमओयू उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए हिंदुजा सहित। तो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन ने सीतापुर में विशाल व्यापारी महासम्मेलन का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने शिरकत की। कार्यक्रम में व्यापारियों को संबोधित करते हुए नितिन अग्रवाल ने कहा कि कोई भी सरकार बिना व्यापारियों के सहयोग से नहीं बन सकती। साथ ही कहा कि प्रदेश में राज्य सरकार को
व्यापारियों का पूरा समर्थन प्राप्त है और व्यापारियों के हित के लिए तमाम योजनाएं चला रहे हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उनका राजनीतिक भविष्य दांव पर है, वो अपने परिवार को खुद ही एकजुट नहीं कर पा रहे, आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का होगा। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि भारत टूटा कहां था जो कांग्रेस उसको जोड़ने का प्रयास कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा उनकी समझ से परे है। राहुल गांधी को अपनी पार्टी के इतिहास का ज्ञान नहीं है। यदि उन्हें इतिहास पता होता तो उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि इस देश को तोड़ने का काम उनके नाना ने ही किया था। शायद अखिलेश जी अब ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर हो चुके हैं और उन्हें शायद जनता की नब्ज अब समझ में नहीं आती। मैं तो कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी से कि वो अपना ही गढ़ बचा ले, जो अपना ही गढ़ हार चुके हैं, जिनको वो अपना गढ़ कहते थे, जब वही हार चुके हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, विरोधी दल तो कुछ भी कहेंगे और कुछ भी आरोप लगाएंगे, लेकिन मैं आज जो देख रहा हूं ग्राउंड पे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतकर देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते हैं कि पुलिस को 20 अक्टूबर 2021 को गांगुपार में एक युवक की लाश मिली थी। हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। कुछ ही दिन बाद पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था। वहीं घटना में दो और आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं, जिसमें से एक आरोपी इंदल लोना पर गोला थाना में चोरी का मुकदमा भी दर्ज है, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया। और इसी बीच गोला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त इंदल लोना को थाना क्षेत्र के गांव से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। थाना गदहा में और थाना गोला में एक वांछित अभियुक्त जिसका नाम इंदल लोना पुत्र जेठू है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर 25,000 का इनाम है। ये एक हत्या के मामले में और एक चोरी के मामले में वांछित है। और इसके साथ में हत्या के मामले में दो अन्य अभियुक्त थे, धर्मेंद्र और दूसरे अभियुक्त का नाम शशिकांत था। तो इसमें से शशिकांत की गिरफ्तारी हो गई है। धर्मेंद्र और शशिकांत, धर्मेंद्र भी वांछित है और इंदल लोना की गिरफ्तारी आज की गई। गणतंत्र दिवस परेड के लिए रिहर्सल जारी है। 3 दिन तक बदला रहेगा ट्रैफिक। विधानसभा मार्ग पर परेड का रिहर्सल हो रहा है। विधानसभा के आसपास के चौराहों पर रूट डाइवर्ट किया गया। परेड रिहर्सल को लेकर रूट डाइवर्ट किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, विधानसभा के आसपास के चौराहों पर रूट डाइवर्ट किया जा रहा है। परेड रिहर्सल को लेकर रूट डाइवर्ट किया जा रहा है। बड़ी जानकारी लखनऊ से। गणतंत्र दिवस परेड के लिए रिहर्सल लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, विधानसभा के पास के चौराहों पर रूट डाइवर्ट, परेड रिहर्सल को लेकर रूट डाइवर्ट किया जा रहा है और गणतंत्र दिवस तक रूट डाइवर्टेड ही रहेगा। तो 3 दिन तक ट्रैफिक का रूट बदला गया है। विधानसभा मार्ग पर परेड का रिहर्सल किया जा रहा है और गणतंत्र दिवस की तैयारी में सभी जुटे हुए हैं। और 3 दिन तक गणतंत्र दिवस परेड के लिए रूट डाइवर्ट रहेगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे लखनऊ से, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। बुलंदशहर में HTLT लाइन चोर गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भारी मात्रा में चोरी के तार के साथ गिरोह के 15 सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी मैनपुरी, फरुखाबाद, हापुड़, दिल्ली, बहराइच समेत अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। आरोपियों ने सिकंदराबाद में भी 33 लाइन से करीब 3500 मीटर लाइन चोरी की थी और वहीं आरोपियों के पास से कार, कैंटर, बाइक और तार भी बरामद हुए हैं।
तो बुलंदशहर में चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 15 सदस्यों को पुलिस ने एक साथ गिरफ्तार किया। चोरों से कार, कैंटर समेत तमाम बाइक भी बरामद की गई है और चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जहां पर HTLT लाइन चोर गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। भारी मात्रा में चोरी के तार के साथ साथ गिरोह के 15 सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और वहीं चोरों के पास से कार, कैंटर भी बरामद किए हैं। तो चोरों से कार, कैंटर, बाइक और कई तारे भी बरामद की गई। चोर गिरोह पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जहां 15 सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर मैनपुरी से है, जहां ग्राम प्रधान ने अपने गुर्गों के साथ गरीब के घर में घुसकर तांडव मचाया। जानकारी के मुताबिक एक महिला के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और घर की दीवार गिरा दी। परिवार मदद के लिए चीखती चिल्लाती रही, लेकिन दबंगों की दबंगे के आगे कोई नहीं बोल पाया। ग्राम प्रधान ने घर के आंगन में आम रास्ता बनाने की खुलेआम धमकी भी दी। वहीं पीड़ित मां बेटी ने थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जी मेरी मदद करो, मेरी दीवार गिरा दी है, मैं गरीब आदमी है। मोदी जी मेरी मदद करो, मेरी दीवार गिरा दी, हम गरीब आदमी है, हम गरीब आदमी है। ये चोट कैसे लगी, ये चोट कैसे लगी? हॉस्पिटल आई नरेंद्र ने, प्रधान जी ने मेरे को गुंडागर्दी से मेरी दीवार बेलचा मार दिया है। हम सब खेत गए थे, ये खाना वाना बना भी जा रही थी, तो मतलब नरेंद्र आए थे प्रधान, उनने इनको खाचा खाचो करो और मारपीट करी इनकी, इनके बिन चर दिया। अच्छा, नरेंद्र ने क्यों आपत्ति की प्रधान जी ने? अबे मतलब हमारे मतलब जो मकान है, मकान में मतलब आंगन है, आंगन में बुक चढ़ा रहे गेट। नरेंद्र ने हमको भी मारा, मेरी मम्मी को भी मारा, मेरे पापा को भी मारा, मेरा घर का साथ गया है। योगी जी मेरी रक्षा करो, योगी जी मेरी रक्षा करो, मुझको भी मारा। नरेंद्र कौन है? ये प्रधान है। तो खबर ओरेया से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से लूट का माल बरामद किया है। दरअसल आरोपी बीते दिनों एक युवक के साथ मारपीट करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया है, जिसको लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मोटरसाइकिल सवार द्वारा एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें वादी की तारीख पर स्वतंत्र धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। पुलिस अधीक्षक को मध्य द्वारा घटना का शीघ्र नामकरण है, 2 टीमें गठित थी। टीमों के द्वारा 4 घंटे के अंदर 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा एवं लूटे गए मोबाइल एवं 2200 रुपये उनके पास से बरामद किया गया। नरेंद्र ने हमको भी मारा, मेरी मम्मी को भी मारा, मेरे पापा को भी मारा, मेरा घर का साथ गया है। योगी जी मेरी रक्षा करो, योगी जी मेरी रक्षा करो, मुझको भी मारा। ये नरेंद्र कौन है? ये प्रधान है। चौकी चुर्क क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिरधी में राजवेंद्र नामक के व्यक्ति के घर में 2 युवकों ने जमकर तांडव मचाया। यहां देर रात 2 अभियुक्त आए और नशे की हालत में मोटरसाइकिल बनवाने की जिद करने लगे। राजवेंद्र के मना करने पर गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी दी। हालांकि शिकायत करने के बावजूद अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिसंबर को करीब 9:30 रात में 2 अभियुक्त आए हमारे घर पे, दारू के नशे में धुत थे और मोटरसाइकिल बनाने को लेकर के उन्हें जिद करने लगा। जब उन्हें मना किया तो गाली गलौज और माँ बहन को भी जाति सूचक शब्द के भी नाम लेते हुए गाली देने लगे, जिसका एप्लीकेशन मैंने 2 दिसंबर को हमने चौकी प्रभारी इंचार्ज महोदय को चौकी एप्लीकेशन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मैं बाध्य हूँ कि इसकी एप्लीकेशन SP महोदय को दिया जाए या मुख्यमंत्री के पास एप्लीकेशन दिया जाए।
युवकों ने जमकर घर में घुसकर देर रात तांडव मचाया। नशे की हालत में लोग युवक जो थे यहाँ पर पहुंचे और देर रात घर में घुसकर धमकी दी गई। हालांकि पुलिस से शिकायत की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। तो युवकों ने जमकर तांडव किया था और घर में घुसकर देर रात युवक ने तांडव किया। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा संघ भारत के द्वारा आज देवरिया जनपद के जिला पंचायत सभागार में संगठन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के सैकड़ों पत्रकारों ने हिस्सा लिया और पत्रकार हितों को लेकर चर्चा भी यहां पर की गई थी। वहीं नए पदाधिकारियों को अंगवस्त्र देकर व माला अर्पण कर उनको सम्मानित भी किया गया। पत्रकारों की लड़ाई देश और प्रदेश और जनपद और तहसील स्तर पर लड़ता है। यह संगठन पूरे भारत में 10 प्रदेशों में अपना विस्तार फैलाए हुए है। मेरा उद्देश्य है कि भारत के सभी प्रदेशों में मेरा संगठन विस्तार करे, क्योंकि मैं संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रताप कुशवाहा हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि संगठन अनेक हो, लेकिन सभी पत्रकारों का उद्देश्य एक हो, सभी संगठनों का उद्देश्य एक हो। साथियों, भिन्न भिन्न अखबार हो, लेकिन सभी पत्रकार एक हो। खबर कन्नौज से है, जहां कस्बा जलालाबाद में एक की मृत्यु के बाद मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि ये पिछले कई वर्षों से हो रहा है, जहां लोग कयास लगाने लगते हैं कि अब किसकी मृत्यु होने वाली है। कभी कभी तो ऐसे व्यक्ति को काल के गाल में जाते लोगों ने देखा जिसकी असमय मृत्यु हो जाती है, लेकिन अक्सर देखा गया कि मृत्यु किसी न किसी की तो होनी तय है। कभी कभी कस्बा वासियों ने एक एक दिन में 4 से 5 तक मौतों का दंश झेला है। वही लोगों ने बताया कि उन लोगों ने अपने गांव में असमय मृत्यु होने का खौफ देखा है, जिसे वह भूल भी नहीं पा रहे। विडंबना है कुछ वर्षों से कि जब मौसम का कोई इसमें वो नहीं है कि कोई मौसम हो या यदि कोई मौत हो जाती है, फिर लगातार सिलसिलेवार मौतें चलती रहती हैं। आज जैसे इस वर्ष भी जनवरी का महीना शुरू होते ही एक मौत हो गई हरिजन महिला की, उसके बाद में आज 21-22 जनवरी है, कम से कम 8 मौतें होती हैं। कि जब भी एक मृत्यु होती है तो एकाएक कई मौतें हो रही हैं लगातार। अभी ये इसी माह जनवरी में आधा दर्जन से अधिक असमय मृत्यु के उसमें चपेट में कई लोग आए हैं, और ये कोई एक दैवीय संयोग या ऐसा कोई कालचक्र है। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का चुनाव 30 जनवरी को होना है, जिसमें जीत दर्ज कराने के लिए समाजवादी पार्टी भी कोशिशों में लगी है। उसी के तहत आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमीरपुर पहुंच हुए थे, जिन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान किसान महंगाई और अन्न प्रथा को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि हमें नहीं लगता कि प्रदेश सरकार चुनाव कराने के मूड में है। फिलहाल एमएलसी चुनाव में सपा 5 सीटों और जीतेगी, क्योंकि यह चुनाव बैलेट पेपर से होने हैं। इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एमएलसी का चुनाव हो रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने डॉक्टर एसपी सिंह पटेल शिक्षक को समाजवादी पार्टी एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है। मैं शिक्षक मतदाताओं से प्रार्थना करने, उनसे सहयोग मांगने आया हूँ और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलकर ये अपील करने आया हूँ कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में आवे, सभी कार्यकर्ता भी इस पर ध्यान दें। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।